मैंने सुना आज हमें नया राजा मिलने वाला है, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, पर मुझे लगता है उन्हें देर होने वाली है। समय पे आना महानता की निशानी है दोस्तों। घर पर स्वागत है बकशॉट, हम महीनों से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे थे। हमें पता है कि तुम ही इस जंगल में शांति लाओगे। महाराज की जय हो। तुम मेरे चचेरे भाई हंस हो ना? हाँ। मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि तुम इतने बड़े हो गए हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तुम उससे कुछ महीने बड़े हो ना? हाँ ठीक कहा, पर एक चीज नहीं बदली है, पन्ना जंगल मेरा राज्य है और हमेशा मेरा ही रहेगा। ओ? तुमने सही सुना, मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें पता है ये सच नहीं है हंस, तुमने सोचा भी कैसे? हाँ ये मेरे पिता का राज्य था और उनके बाद ये मेरा है। तुम ये भूल रहे हो कि तुम कई सालों से यहाँ नहीं थे, तुम्हें कायर की तरह ये राज्य छोड़ के चले गए थे, एक राजा की तरह नहीं। उस दिन तुमने ये सिंहासन खो दिया था। क्या? मैंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया, ये झूठ है। मेरे पिता के भयानक हादसे के बाद मैं खतरे में था, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा यहाँ से जाने के अलावा। शेर खान ने मेरे पिता को बर्बाद कर दिया, मैंने उन जैसा ताकतवर और बहादुर हिरन नहीं देखा, वो मारे गए। मैं बहुत दुख में था, मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है, मैं दुश्मनों से घिरा हुआ था, जंगली कुत्ते कभी भी हमला कर सकते थे। किस्मत से ओल्ड बग वहां थे, वो मुझे बचाने आए और उन्होंने मुझे सलाह दी। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि अब तुम्हें चमेली माँ के साथ जाकर रहना होगा। मैं चला गया पर मैंने अपना सिंहासन कभी तुम्हें नहीं सौंपा। तुम इतने सालों से कहाँ थे, बताओ कहाँ थे तुम? राज करना सीख रहा था। ये मामला तो बहुत उलझा हुआ है। बहुत ज्यादा। क्या बकवास है ये? और तुम सच में सोचते हो कि तुम यहाँ घुस जाओगे और मेरा राज्य ले लोगे? हम तुम पर भरोसा क्यों करें, तुम तो मेरे खिलाफ हो। मैं इसके साथ था। सुना तुमने? तो हंस क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि ओल्ड बग झूठ बोल रहे हैं? बोलो, उन्होंने मुझे भेजा ताकि मैं वापस आके राज करूं। वो दिन खत्म हो गए भाई। आश्चर्य है, मेरे दोस्त सिम्बा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसके चाचा की वजह से। उसका इससे क्या लेना देना है, मैं अपने सिंहासन के लिए लड़ूंगा। बहुत अच्छे, ये तुमने मांगा, मैं साबित करूंगा कि तुम एक कायर हो। सबको ये जानने दो कि ये लड़ाई एमरल्ड जंगल के ताज के लिए है। मैं लड़ूंगा पर मेरी एक शर्त है कि जो हारेगा वो जीतने वाले को आदर से अपना राजा मानेगा, समझ गए? बेशक, मुकाबला करो। देखो लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है। हे, देखो ये मेरी जगह है, यहाँ तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा है। मैं हमेशा वहाँ बैठती हूँ। देखो लड़ाई शुरू होने वाली है। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मैं उम्मीद करता हूँ कि हंस जीत जाए। अरे बहुत गुस्से में लगता है भिड़ो। मुँँ।
क्या दिख रहा है बतलू? वो कहाँ जा रहे हैं? काश मुझे ये पता होता सिम्बा। ये बस चाहता हूँ को मेरी गेंद वापस ले आए। हमें क्या पता कि वो उन्हें लेकर यहाँ आ भी रहा है या नहीं। अगर गेंद नहीं लाए तो मुझे गुस्सा आएगा। क्या तुम सब शांत रहोगे? हमें बक्शॉट को देखना है। हम तो बस मजाक कर रहे थे सिम्बा। वो देखो लड़ाई हो रही है। चलो बक्शॉट, तुम इसे हरा सकते हो। बक्शॉट तुम्हें जीतना ही होगा। भगीरा ने जो तुम्हें सिखाया वैसे करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बक्शॉट का इस तरह स्वागत हो रहा है। वो कब से वहाँ नहीं था, उन्हें लगा होगा उसे सिंहासन छोड़ दिया। बक्शॉट एक शाही स्वागत के लायक है, पर मुझे लगता है तुम सही हो। किसी ने उसकी जगह लेने की कोशिश की है, और वो कोई नहीं, उसका चचेरा भाई हंस है। यही जंगल का कानून है, समझे? अब मैं समझा, ये सब ताज के लिए है। इस गद्दार को सबक सिखाओ बक्शॉट, चलो। देखो सब लोग, हम लोग आखिरकार वापस ही आ गए। हाँ, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। हमें लगा कि तुम पेलिकन के साथ चले जाओगे और हमें भूल जाओगे। मेरी गेंद कहाँ है? मैंने उसे पेलिकन के मुंह में देखा था। वापस तुम इस झील में नहीं होना चाहिए। ए, शांत हो जाओ। हाँ, हमने बहुत बुरे दिन बिताए हैं, समझे? झील से जल्दी बाहर आ जाओ। ये प्यार से नहीं कह सकता था। हमें तुम्हारा यहाँ आना बुरा नहीं लगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से बाहर आ जाओ। तुम्हें पता है बक्शॉट मुसीबत में है। बेहतर होगा हम पहले यहाँ से बाहर निकले। मेरी गेंद कहाँ है? अच्छा होगा कि तुमने उसे निकला ना हो। तुम्हारे पास है या नहीं? कहाँ है मेरी गेंद? हाँ, शुक्रिया। तुम्हें मुझे इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। ये गेंद पहले दे देनी चाहिए थी। शांत हो जाओ विनर, शांत हो जाओ। कैसे खुद कर रहे? मैं जा रहा हूँ, सभी पागल है। संभल के बक्शॉट। मैं कभी इन जानवरों को समझ नहीं पाऊंगा, पागल है। चलो बक्शॉट, तुम एक बार सकते हो। लड़ो लड़ो लड़ो, जीतोगे तुम, जीतोगे। चलो हंस, आखिर कर क्या रहा है? बक्शॉट को परेशान कर रहा है बिलू। सबसे ताकतवर हो, तुम राजा हो, और मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर रहूंगा। हंस, तुम बहुत बहादुरी से लड़े, मुझे गर्व है तुम पर। शुक्रिया बक्शॉट। बक्शॉट, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमारे राजा हो तुम। आज से इस जंगल में शांति और खुशहाली रहेगी। हंस, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। आज से आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है मेरे महाराज।
मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आपको वापस कभी धोखा नहीं दूंगा महाराज। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज से हंस हमारा सेनापति है। हमारे राजा की जय हो, हमारे राजा की जय हो। चलो सब खुशियाँ मनाएं दोस्तों। हमें सब तैयार करने में थोड़ा वक्त लगेगा बक्सौर। मेहमानों के लिए ये पत्थर यहाँ से हटाने पड़ेंगे, मेहमानों के लिए ये जगह सजानी पड़ेगी। हाँ क्यों नहीं, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ? सब लोग सामने से हट जाइए, मैं नहीं चाहता कि किसी को चोट पहुँचे। क्या बात है, केवल उसने हंस को राया, उसके पास जादू भी है। मैंने इस तरह की शक्ति कभी नहीं देखी। चलो चलते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल से अब बहुत जगह हो गई है, इससे काम बन जाएगा। वो कितना अच्छा है। सही कहा, सितारों की शक्ति कमाल है। मैं जानता हूँ तुम ये शक्तियाँ जीतने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, पर तुमने नहीं की। तुम वाकई में एक सच्चे राजा हो। जीते रहो बक्सौर। तुम और सिम्बा हर काम को बखूबी करते हो। तुमने देखा अर्बर, मुझे खुशी है तुम यहाँ आए। क्या तुम्हें लगता है मैं पेड़ों का राजा तुम्हें राजा बनते देखने का मौका गवाऊंगा? शुक्रिया अर्बर। और बेशक मैं एक तोहफा लाया। उसकी कोई जरूरत नहीं। तोहफा? पर उससे पहले तुम सबको पीछे हटना होगा। अच्छा, अजीब है। मैं तुम्हें एक खुफिया घाटी में लेकर जाना चाहता हूँ बक्सौर। आओ देखो। महाराज अपना ध्यान रखना, जाल भी हो सकता है। नहीं, आर्बर मेरा बहुत पुराना दोस्त है, वो मेरी हमेशा रक्षा करता है। तुम लोग मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। कितनी देर लगेगी घाटी तक पहुंचने में आर्बर? तुम खुद ही देख लो। कितनी सुंदर जगह है। ये परियों की खुफिया घाटी है बक्सौर। डरो मत बक्सौर, जाओ। मुझे कहां जाना है? तुम्हारा दिल ही तुम्हें ले जाएगा। नहीं, ओह, आह,
सुनिए, मेरा नाम बक्शॉट है, मैं आर्बर का दोस्त हूँ, आप कौन है? मैं बेम्बीना हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा बक्शॉट। मैं इस घाटी की राजकुमारी हूँ, मैं यहीं पर पैदा हुई। परियों ने कहा था मेरी शादी राजकुमार से होगी। मुझे जाना चाहिए, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। क्यों नहीं? क्या आप मुझे डर रही हैं? नहीं, अगर आर्बर ने तुम्हें भेजा है तो तुम अच्छे होगे। लेकिन मेरी शादी एक राजा से होने वाली है, तो बेहतर होगा कि हम ना मिलें। मत जाओ। नहीं बेम्बीना, रुको, मुझे आपसे बात करनी है। रुको रुको बेम्बीना। हाँ? मेरी बात सुनो। मैं एमराल्ड जंगल का राजा हूँ, वो मैं ही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रही हो। सच में? तुम ही वो राजा हो? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। महाराज, हमें चिंता होने लगी थी, हमें लगा आप गायब हो गए हैं। आप लोगों को परेशानी हुई, इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। तुम्हारी ये दोस्त कौन है? ये बेम्बीना है, आप सबकी होने वाली महारानी। ये परियों के साथ घाटी में रहती थी, पर अब से ये यहीं रहेंगी हम सबके साथ। बहुत अच्छे, हमारी रानी की जय हो। मेरे प्यारे बक्शॉट, मुबारक हो आपको। क्या ये अच्छी बात नहीं कि बक्शॉट को भी जीवन साथी मिल गया हमारी तरह? हाँ सही कहा तुमने, उसे भी एक जीवन साथी मिल गया है जिसके साथ वो जीवन भर खुश रहेगा। मुझे मेरी गेंद भी मिल गई। सुनो, मेरे पास एक योजना है, हमें किसी और जंगल में जाकर शिकार ढूंढना चाहिए। मैं कहता हूँ हमें यही रहना चाहिए बिड़ू, राजा बक्शॉट के साथ। ये बहुत रोमानी है। हाँ, बहुत जल्दी एक राज की शादी होने वाली है। आखिरकार बक्शॉट को भी उसकी राजकुमारी मिल गई और वो भी राजा बन गया, और उसने बेम्बीना के रूप में अपना प्यार भी पा लिया। पर क्या उनका जीवन खुशियों से भर गया या भेड़ियों ने उन्हें फिर से परेशान किया? ये जानने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों।